दोस्तों, क्या आपको भी अपनी फसलों में चूहे ज्यादा परेशान कर रहे हैं? क्या आपके फसलों को चूहे ज्यादा खा रहे हैं या फिर उसको नष्ट कर रहे हैं? तो ऐसी कई सारी समस्याओं से बचने के लिए हम आपके लिए एक ऐसी दवा बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करने पर फिर कभी आपको अपनी फसलों में चूहे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और आपकी फसल को फिर चूहे नहीं खाएंगे और फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित और सही बनी रहेगी। तो आप भी जानना चाहते हैं कि वह कौन सी दवा है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो वीडियो को विस्तार से पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाला हर खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, हमारे पास कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारी गेहूं की फसल में चूहे बहुत ज्यादा लग रहे हैं और फसल को नष्ट कर रहे हैं। कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि हमारी सब्जियों में चूहे ज्यादा लगे हुए हैं, उनको भगाने के तरीके बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, सबकी समस्याओं का यहाँ पर निचोड़ निकाल लिया है हमने और एक दवा बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए बता देना चाहते हैं, जो चूहे हैं वह जानवर हैं जो कि कुदरत की देन है, भगवान की देन है। तो उनसे हम मना तो कर नहीं सकते कि भाई आप हमारे खेत में मत आइए, जो खेत है, फसल है, हमारी प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। जब वह कुदरत की देन है, जीव है, जानवर है, तो उसके अंदर जान है। अब उसके लिए भी भूख लगती है, जिस तरीके से हमें भूख लगती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी भूख लगती है और उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना हम उनकी भूख को परमानेंट ही मिटा दें, उनका पेट की व्यवस्था पहले कर दें, जिस वजह से उनको भूख भी नहीं लगेगी और वह हमारी फसल में नुकसान भी नहीं करेंगे। तो इसका इलाज क्या है? तो इसके इलाज के लिए दोस्तों, आप जिंक फॉस्फाइड इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको खाने के बाद चूहे भी नष्ट हो जाएंगे और फिर खेत में परेशान नहीं करेंगे। अब जिंक फॉस्फाइड को कैसे इस्तेमाल करना है? तो देखिए, आप क्या करेंगे कि एक एकड़ जमीन के लिए आप 20 ग्राम जिंक फॉस्फाइड लें, उसमें 1 किलोग्राम आटा मिला लें। आटा गेहूं का होना चाहिए, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही आटे को मिला लीजिए। अच्छे से तर बतर करके इस 20 ग्राम जिंक फॉस्फाइड को 1 किलो आटे में मिलाकर फिर उसमें थोड़ा सा तेल मिला दें। तेल आप खाने वाला मीठा तेल भी यूज कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तेल कोई सा भी हो आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब तेल मिलाने का मतलब क्या है? देखिए, तेल मिलाने से इसकी गंध, जो स्मेल आती है, वह कम हो जाएगी। जो जिंक फॉस्फाइड है उसकी स्मेल जो रहती है वह बहुत तीव्र हो रहती है और ज्यादा तेज स्मेल आने के कारण चूहे इसको सीधे नहीं खाएंगे। तो उनको चकमा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हम तेल मिला देंगे, जिस वजह से इसकी जो स्मेल है, गंध है, वह कम हो जाएगी। फिर क्या करें आप, इसमें थोड़ा सा पानी लेकर आटे से अच्छे से गूंथ लें। आटे से अच्छे से गूंथने पर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। और अब इन गोलियों को आप क्या करेंगे, शाम के समय जब सूरज ढलने का समय हो, 5-6 बजे के समथिंग, अंधेरा होने से पहले और सूरज ढल रहा हो, ध्यान रहे कि जो ऊपर वाले पक्षी रहते हैं, चिड़िया रहते हैं, वो खेत से उड़ चुके हो और कोई भी खेत में ना हो, तब आप उस समय जाकर खेत में जिस जगह पर चूहों ने पोल सुरंग कर दी है, वहां पर आप इन गोलियों को रख आइए। जब रात को चूहा खाने के लिए निकलेगा बाहर अपनी विल से, तो वह इन गोलियों को खा लेगा। फिर वह इन गोलियों को खाने के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। और जब चूहा खत्म ही हो जाएगा तो फिर हमारी फसल को नष्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान देनी होगी कि जब आप इस दवा को रखें, तो ध्यान रहे कि आपके खेत के आसपास पानी की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दवा को खाने के बाद उस चूहे को लगेगी प्यास। जब उसे कहीं भी पानी नहीं मिलेगा तो वह फिर ऑटोमेटिक ही मर जाएगा, और यदि उसने दवा खाने के बाद पानी पी लिया तो फिर वह नहीं मरेगा। ये आपको सावधानी बरतनी है। और शाम के समय इसलिए रखना है, यदि हम सुबह या दोपहर में रख देंगे तो दोपहर में तो चूहा इसको नहीं खाएगा, लेकिन जो ऊपर के पखेरु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वह इस दवा को खाकर नष्ट हो जाएंगे। तो उनकी सुरक्षा करनी है, और शाम को रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले आप इसको रख देंगे तो रात भर में चूहे का पूरा खेल हो जाएगा और सुबह जब आप देखेंगे और चूहा आपकी फसल को नहीं खाएगा। तो इस तरीके से आप चूहों की व्यवस्था कर सकते हैं।
तो ये हमारा एक केमिकल तरीका था, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका, देसी तरीका, जो जीरो इन्वेस्टमेंट पर हो जाता है। तो उसको पहले हम टेस्ट करेंगे, इसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपका ये डाउट होगा कि जिंक फॉस्फाइड कहाँ मिलेगा, तो जिंक फॉस्फाइड आपको कृषि विज्ञान केंद्र पर भी मिल जाएगा, मतलब कि आपके ब्लॉक में जो कृषि कार्यालय है वहां पर मिल जाएगा, और वहां से नहीं लाना चाहते तो मार्केट में सब दुकान वालों के पास उपलब्ध रहता है, तो उनके पास से लाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का और विशेष कर ध्यान रखना है कि आप जो घर में चूहे ज्यादा हो जाते हैं उनके लिए इस दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घर में जो चूहे इस दवा को खाएंगे तो वो ना जाने कहाँ जाकर मरेंगे, और चूहा जब घर में मर जाता है तो उसकी इतनी खतरनाक तीव्र बदबू आती है जिसकी वजह से हमारी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी घर के लिए इस्तेमाल ना करें, घर के में जो भी चूहे हैं उनके लिए तो आप पिंजरे का इस्तेमाल करें, जब पिंजरे में चूहा आ जाए तो उसको कहीं दूर ले जाकर छोड़ाएं, जिस वजह से घर के चूहे कम हो जाएंगे, और खेत के लिए आप जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जरूरतमंद किसान भाइयों की हेल्प हो सके। मन में कोई सवाल है या फिर किस तरह की जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और दोस्तों, आप किस तरह की फसल कर रहे हैं, उसमें किस तरह की समस्या चल रही है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। और आप हमसे यदि व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, किसानों के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अब इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।